सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे में एडिट। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा दशहरा के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो भाई एडिटिंग को भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट एंड तक देखना होगा, तब भी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। एंड गाइज वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी आज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो भी गाइज चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो के आप पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देख सकते हो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लिया हूँ। तो गाइज बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सर आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके मेरे मॉडल का फोटो को मैं ऐड करता हूँ। सो गाइज देख सकते हो मैं मेरे मॉडल का फोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको बड़ा करके बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से पहले आपको सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो कुछ इस टाइप से एकदम अच्छे तरीके से मैं पहले सेट कर लूँगा बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि गाइज आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से आपको सेट करना है। तो गाइज यहाँ पे सेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो साइड में जो ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं क्लिक करके एक और पिंच को मतलब ऐड करता हूँ। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हो मतलब इस बार मैं ये वाला पिंच को ऐड कर लिया हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, फोर गाऊंगा तो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा बड़ा करके, जैसे ही गाइज आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देने का यहाँ पे सेट करना है, देन आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल से डन पर टैप। तो गाइज यहाँ पे डन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन है इसके अंदर जाके और जो पिंच बग रहा है इसको मैं ऐड फोटो से ऐड करता हूँ। ठीक है गाइज, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार दो पिंच को ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो वाला पिंच इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइड में रखता हूँ कुछ इस टाइप से। सबसे पहले ये मतलब धनुष का जो ये वाला पिंच होता है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे जो मॉडल के माथे के अंदर, माथे का नहीं गाइज हाथों के अंदर, मैं यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से मैं धनुष का जो पिंच इसको मैं सेट करूँगा। जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो तो एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट करूँगा हाथों के अंदर, जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे घुमा के एकदम अच्छे तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट करूँगा, देन ब्रश के अंदर मैं क्लिक करके जो एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे हल्का सा करके यहाँ पे मैं इरेज कर लूँगा, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो। तो गाइज आप इरेज करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, उसका आपको ये वाला मतलब एक पिंच होता है जैसे आप लोग देख सकते हो, ये वाला पिंच, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे छोटा कर लूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे छोटा करके मैं कुछ स्टेप से मतलब यहाँ पे सेट वगैरह कर लूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सेट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे ब्रश के अंदर क्लिक करके जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इरेज कर लूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से आपको टाइम देके मतलब इरेज कर लेना है कुछ स्टेप से, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट कर लिया हूँ, देन यहाँ पे डन करूँगा। तो डन करने के बाद गाइज आपको अभी क्या करना है, अगेन डन। ठीक है, तो डन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो इसी ऐड फोटो पे क्लिक करके और पिंच को मतलब ऐड करता हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार मतलब ये दो पिंच को ऐड कर लिया हूँ। जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पिंच को साइड में रखते हो, तो ये जो वाला तीर कमान का जो एक पिंच होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पे सेट करना है, देन कैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको ब्रश के अंदर, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इरेज कर लेना है, जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इरेज मतलब इरेज वगैरह कर लेता हूँ फटाफट से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो गाइज एकदम अच्छे तरीके से आपको इरेज कर लेना है। ठीक है, तो गाइज आप इरेज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से डन पर टैप। तो डन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, दूसरा जो ये वाला पिंच है ना इसको आपको लेके आना है, जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो, इसको अभी कुछ इस तरीके से बड़ा करके बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से पहले मैं सेट करूंगा कुछ इस तरीके से मतलब हाथों के मतलब मेरे ड्रेस के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। देन गाइज आपको क्या करना है यहाँ पर डन। तो गाइज यहाँ पर डन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में एक और बार आपको ऐड फोटो पे जाके और जो पिंच बगड़ा है उसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है गाइज, तो धन्ना गाइस देख सकते हो मैं इस बार भी दो पिंच को ऐड कर लिया हूँ। सर दशहरा का जो टेक्स्ट पिंच इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हैप्पी दशहरा का जो पिंच है इसको मैं सबसे पहले साइड में रखता हूँ, एंड दशहरा का जो टेक्स्ट पिंच इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो टेक्स्ट पिंच को यहाँ पे हल्का सा भरा करके आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दूंगा, देन उसके बाद जो ई वाला मतलब एक पिंच होता है फटी का, जिसको मतलब क्या बोलते हैं मतलब इसको पता नहीं है मुझे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे जो मॉडल के माथे के अंदर यहाँ पे सेट करूँगा कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो एकदम अच्छे तरीके से सेट कर लूँगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सेट हो जाने के बाद आपको साइड में जो ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर क्लिक करके लास्ट में एक और पिंच को मतलब ऐड करता हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं लास्ट में ये वाला पिंच को ऐड कर लिया हूँ, तो इसको मैं आपको जिस तरीके से बड़ा करके बैकग्राउंड का लगाऊंगा। देन गाइज आपको सिंपल से क्या करना है, आप सिंपल से गाइज यहाँ पे डन पर टैप। तो डन करने के बाद गाइज देख सकते हो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देन आता है लाइटरूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करना। तो गाइज मैं सिंपल से क्या करूँगा बता देता हूँ आपको, सिंपल से थ्री डॉट पर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ड्रॉ टूल के अंदर आके थ्री डॉट पर प्रेस करके फोटो को यहाँ पे सेव करके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आपको लेके चलते हैं गाइज। ठीक है,
सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइटरूम के अंदर ओपन हो चुका हूँ। तो गाइज मैं सिंपल से क्या करूँगा, ऑल फोटो के अंदर टैप करके सबसे पहले फोटो को ऐसे ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, जाना है आपको लाइट टूल्स के अंदर। तो लाइट टूल्स के अंदर आने का फोटो का लाइट एडजस्टमेंट करूँगा, सबसे पहले एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा करके बढ़ा दूंगा, हाईलाइट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का सा करके बढ़ाऊंगा, एंड आपको शेडो को भी हल्का सा करके आपको बढ़ा देना है, व्हाइट को सिंपल से कम करके आपको ब्लैक को हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। देन आपको जाना है कलर टूल या पे मिक्स टूल। तो गाइस यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको रेड कलर के जो ह्यू है ह्यू को हल्का सा कम करके आपको सैचुएशन बढ़ा देना है लगभग यहाँ पे इतना। देन आपको जाना है ऑरेंज कलर के अंदर, ऑरेंज के जो सैचुएशन है इसको हल्का सा कम करके यहाँ पे लुमिनेशन को बढ़ाऊंगा, फिर इसको थोड़ा सा व्हाइट वगैरह करने के लिए। देन अगर आपको क्या करना है उसका जाना है आपको यहाँ पे येलो कलर के अंदर, तो येलो के ह्यू को हल्का सा कम करके सैचुएशन बढ़ा दूंगा लगभग यहाँ पे इतना तक। देन आपको जाना है ग्रीन कलर के अंदर, तो ग्रीन का भी सेम है, ह्यू को कम करके सैचुएशन हल्का सा करके आपको बढ़ा देना है, ठीक है। देन आपको जाना है सियन कलर के अंदर, तो सियन कलर के ह्यू को फुल्ली मैनेज, सैचुएशन को फुल्ली। देन ब्लू कलर के अंदर क्लिक करके ब्लू के ह्यू को कम करके यहाँ पे सैचुएशन को बढ़ा देना है लगभग यहाँ पे इतना तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देन इस कलर के अंदर क्लिक करके इसके ह्यू को बढ़ा के आपको सैचुएशन बढ़ा देना है। देन आपको करना है यहाँ पे डन। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद इसका जो टेम्प है टेम्प को बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे 8 या फिर 6 के आसपास, 6 के आसपास बढ़ाऊंगा, टीम को बढ़ा के लगभग 6 एंड वाइब्रेशन को बढ़ा दूंगा लगभग आपको यहाँ पे 20 एंड सैचुएशन को यहाँ पे 2 या फिर 4 बढ़ा देना है, ठीक है। देन उसके बाद जाऊंगा यहाँ पे ट्रायंगल टूल जो होता है हमारा डिटेलिंग वाला टूल। तो गाइस यहाँ पे ट्रायंगल टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले फोटो के यहाँ पे टेक्सचर को बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे इतना, क्लियरिटी को बढ़ा के आपको लगभग 10 रखना है, डीएस को 2 बढ़ा के यहाँ पे 2 या फिर 4 एंड बिंगिटी अमाउंट को जो है ना इसको माइनस करूंगा लगभग यहाँ पे इतना तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद देख सकते हो हमारा जो फोटो एकदम रेडी हो चुका है भाई, देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, तो वीडियो आपको ज़रा सा अभी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अपना ख्याल रखना।